पाकिस्तानी सीमा हैदर और हिंदुस्तानी सचिन मीणा की लव स्टोरी जिससे आज की तारीख में लगभग हर कोई वाकिफ है। जानकारी के मुताबिक सीमा अब प्रेग्नेंट है और वो जल्द ही एक बच्चे को जन्म देंगी, लेकिन इस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता की जगह सचिन या सीमा के पहले पति गुलाम हैदर किसका नाम होगा, बड़ा सवाल है ये। क्या इस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी? ये ऐसे सवाल हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है। चलिए जानते हैं भारत का कानून इस पर क्या कहता है। एडवोकेट आदित्य सिंह संबयाल से बातचीत की और इस बारे में जाना। एडवोकेट संबयाल ने बताया कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नागरिक है। वो अवैध तरीके से नेपाल के बॉर्डर से होते हुए भारत आई है। विदेशी अधिनियम के अनुसार सीमा एक अवैध प्रवासी है। वह पहले से शादीशुदा भी है। सीमा का कहना है कि गुलाम ने उन्हें और उनके चारों बच्चों को 2019 में ही छोड़ दिया था। इसके बाद सीमा ने सचिन के साथ नेपाल के मंदिर में शादी कर ली, लेकिन वहीं गुलाम का कहना है कि सीमा से उनका कोई तलाक नहीं हुआ है। इसके लिए गुलाम ने सीमा के खिलाफ पाकिस्तान में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। एक पाकिस्तानी YouTube को दिए इंटरव्यू में गुलाम ने कहा था कि सीमा और सचिन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, साथ ही अपने चार बच्चों को भी भारत से वापस ले जाएंगे। सीमा भी तलाक का कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। वकील संबयाल ने कहा कि ऐसे केस में अगर वो बिना तलाक लिए सचिन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और इस दौरान उन्हें कोई बच्चा पैदा भी होता है तो उसे नाजायज नहीं माना जाएगा। बच्चे को उसके असल पिता का ही नाम मिलेगा, यानी सचिन और सीमा के केस में बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता की जगह सचिन का ही नाम लिखा जाएगा, सचिन को ही बच्चे का पिता माना जाएगा। लेकिन सीमा खुद अवैध प्रवासी हैं और सचिन भारत का नागरिक, इस केस में दोनों के बच्चों को भी अवैध प्रवासी ही माना जाएगा।